नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। उज्जैन में अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश हुई है। तेज आंधी तूफान से अफरा तफरी मच गई। आंधी तूफान से महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरी हैं। महाकाल लोक की कई मूर्तियां नीचे गिरी हैं। बाल बाल बच्चे हैं कई श्रद्धालु। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। बता दें आपको, तेज आंधी आई है उज्जैन में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक से मौसम का मिजाज बदला है उज्जैन में और तेज बारिश हुई है। तेज आंधी के साथ, तूफान के साथ ये बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अफरा तफरी का माहौल हो गया इस तेज बारिश की वजह से। महाकाल लोक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मूर्तियों के गिरने की भी तस्वीर है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त, एक है मूर्ति टूटने की और दूसरी मूर्ति गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी आंधी आई, तेज तूफान आया, बारिश हुई, तेज हवाएं चली और उस वजह से मूर्ति गिर गई और टूट गई। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर है, तेज हवाओं के चलते दुकान पर पीपल का पेड़ गिर रहा है। दुकान में काम कर रहे युवक की मौत हो गई। मलबे में दबने से युवक की मौत हो गई। एक युवक घायल है, इलाज जारी है। तेज आंधी तूफान से शहर की बिजली भी कटी है। अस्पताल में भी ब्लैक आउट हुआ है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उज्जैन से, ये बड़ी खबर है जहां पर तेज बारिश, तेज आंधी की वजह से दुकान पर पीपल का पेड़ गिर गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। जो दुकान में काम कर रहा था उसकी मौत हो गई। एक घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज जारी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय पटवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, तेज आंधी बारिश तूफान की तस्वीरें हम उज्जैन में देख रहे हैं और दुकान पर पीपल का पेड़ तक गिर गया है, युवक की मौत हो गई है, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? जी देखिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तूफान आया था, जिसके कारण जो है कई बड़े बड़े पेड़ जो थे वो जमीन से उखड़ के जो है गिर गए। ये वही एक रिहायशी क्षेत्र में ये पीपल का पेड़ था, यहाँ पर जो पेड़ जब उखड़ के गिरा तो जो उसके पेड़ की जो जड़ थी वो दुकान, जो मकान था उसके साथ ही वो पूरा निकल के बाहर आ गया, तो जिसमें युवक जो है उसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल भी हो गया है। वहीं दूसरी घटना ये है कि एक व्यक्ति बिजली के पोल पर काम कर रहा था, इसी दौरान बिजली की जो है करंट लगने से उसकी भी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है लगातार तूफान में जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं, अस्पताल में लोगों का आने का सिलसिला जारी है। अभी यह नहीं पता चल पाया है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को क्षतिपूर्ति जो क्षति हुई है और कितना नुकसान हुआ है। वहीं हमारी कलेक्टर से बात हुई थी तो कलेक्टर का यही कहना है कि अभी जो है तूफान के बाद जो पूरा जो माहौल बना है और जो तूफान से जो नुकसान हुआ है, इसका आकलन लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि पूरे उज्जैन जिले में अलग अलग क्षेत्रों में तूफान का असर देखने को मिला है। कई क्षेत्रों में तो बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं और जिसमें महाकाल लोक में तो सप्त ऋषियों की 5 मूर्तियां, जो 6 मूर्तियां थी वो गिर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं एक तूफान जो था वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया था और जिसके कारण जो काफी नुकसान हुआ है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। महाकाल लोक में आंधी तूफान से मूर्तियां गिरने के बाद कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आज जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में आंधी चलने से देव प्रतिमाएं जमीन पर गिर गईं, वो दृश्य किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए अत्यंत करुण दृश्य है। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि महाकाल लोक में जो प्रतिमाएं गिरी हैं वहां नई प्रतिमाएं तुरंत स्थापित की जाए और घटिया निर्माण करने वालों को जांच कर दंडित किया जाए। नौतपा में प्रदेश के कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। गुना में तेज हवा के साथ ही जमकर बारिश हुई और ओले गिरे, तो वहीं रतलाम में अचानक मौसम का मिजाज बदला और आंधी तूफान के साथ ही बारिश हुई। जावरा में आंधी की वजह से बस स्टैंड का स्वागत द्वार गिर गया। वहीं उज्जैन में
चांदीपनी आश्रम में तेज हवाओं की वजह से एक पुराना पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से एक बाइक, ऑटो रिक्शा और कार क्षतिग्रस्त हो गई है। नमो में आंधी तूफान के साथ हुई बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया। सतना में भी मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश का दौर जारी है। रीवा के चित्रकूट और मेहर क्षेत्रों में भी तूफान ने तबाही मचाई है और यहां ओले भी गिरे हैं। कई जगह पेड़ भी गिर गए तो वहीं कच्चे मकानों के टीन शेड उड़ गए। बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। मेहर में विधायक कप टूर्नामेंट में लगा पंडाल भी उड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। तमिलनाडु से आए संतोष के सेंगोल सौंपने से पहले पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने श्रम योगियों का सम्मान किया, सर्वधर्म सभा भी हुई। सेंगोल स्थापना के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। नया संसद भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और अतिथि मौजूद हैं। इन्हें सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई और पीएम ने 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया। इसके बाद पीएम की स्पीच शुरू हुई। पीएम ने श्रमजीवियों का सम्मान किया। नए संसद भवन की सबसे बुलंद तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूजा पाठ के साथ सेंगोल की स्थापना भी की गई है। पीएम ने श्रमजीवियों का सम्मान भी किया है। तो नई संसद अब देश को मिली है। ये अलग अलग तस्वीर में आप देख रहे हैं, संतों के साथ पाठ पूजा, साथ ही साथ इनॉग्रेशन की तस्वीर, सेंगोल को स्थापित करने की तस्वीर, सब अलग अलग तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज 28 मई 2023 का ये दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में भारत के लोगों ने अपने लोकतंत्र को संसद के इस नए भवन का उपहार दिया है। सभी देशवासियों को भारतीय लोकतंत्र के इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक भवन नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली
अहम कड़ी साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान से नए संसद भवन के लोकार्पण और सैंगोल स्थापना का दायित्व पूरा कर दिया। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हालांकि कांग्रेस सहित करीब 19 विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने बहिष्कार के साथ साथ कुछ ऐसा किया जिसकी काफी निंदा की जा रही है। शरीर पर केसरिया वस्त्र, माथे पर त्रिपुण चंदन और गले में शैव परंपरा से जुड़ी मालाएं, इस वेशभूषा और सांस्कृतिक परंपरा के समेटे संतों ने नए संसद भवन के परिसर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। ये लम्हा सत्ता और संस्कृति के संगम का उदाहरण बन गया। हवन और पूजा के बाद पीएम मोदी संतों के साथ सैंगोल लेकर सदन में पहुंचे। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की प्रेरणा और प्रतीक के तौर पर सैंगोल को पीएम मोदी ने तय स्थान पर स्थापित कर दिया। पूरा देश इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना, लेकिन कांग्रेस सहित 19 विपक्षी दल इस भव्य और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने के लिए नहीं आए। उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। बात सिर्फ बहिष्कार तक ही सीमित नहीं रही। विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट के जरिए नए संसद की तुलना ताबूत से कर डाली। आरजेडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नए संसद भवन की तस्वीर के साथ ताबूत की तस्वीर पोस्ट की गई और सवाल पूछा गया कि ये क्या है। आरजेडी अपने इस ट्वीट को लेकर खूब ट्रोल भी हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे बेहद शर्मनाक बताया और ट्वीट किया कि घोटालेबाजों की पार्टी आरजेडी ने आखिर आज अपना भविष्य बता दिया। बीजेपी ने आरजेडी के इस कदम को देश के सम्मान पर आघात बताया। पार्टी का कहना है कि ऐसा बोलना और सोचना लोकतंत्र की छाती में जख्म देने के बराबर है। जन जन गौरवान्वित है जिस नई संसद में हम सभी भारतीयों की आत्मा बसती है, उस संसद को तुलना ताबूत से करना, इसका मतलब है कि इनकी अकल मारी गई है और अब जनता इनको सबक सिखाएगी 2024 में। आरजेडी के ताबूत वाले ट्वीट पर कांग्रेस पुराना राग अलाप रही है। कांग्रेस का कहना है कि सभी सियासी दल अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों का अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी द्वारा ही होना था। भले ही विवादित ट्वीट पर आरजेडी को कांग्रेस का साथ मिल गया हो, लेकिन कुछ विरोधी भी आरजेडी के इस बयान से नाराज हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड नहीं, वो कुछ भी कह सकते थे, लेकिन संसद को ताबूत क्यों कह रहे हैं। बहरहाल विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि बहिष्कार और विरोध की राजनीति में भारत के संसद की तुलना ताबूत से करना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में मिशन 2023-24 के लिए बीजेपी 30 मई से स्पेशल अभियान चलाने जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इसे महासंपर्क अभियान नाम दिया गया है। सबसे खास है कि बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर शॉर्ट मूवी बनाई है। इस मूवी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, प्रबुद्धजनों और युवाओं को दिखाया जाएगा। इस मूवी में जेल में बंद लोगों की पीड़ा और उनके साथ हुए अत्याचार को दिखाया जाएगा। इस बीच इमरजेंसी का दिन भी आ रहा है। इसी दिन 25 जून सुबह मन की बात कार्यक्रम बूथ स्तर पर होगा। ये अभियान 30 मई से 30 जून तक चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 9 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर हम लोग जनता के बीच में महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से संगठन जाने वाला है और उस जो तारीख तय हुई उस तारीख में एक दिवस वह भी आ रहा है जो 25 जून के नाम से जाना जाता है, जो लोकतंत्र की हत्या होने का काम जिस दिन हुआ था, इंदिरा गांधी ने जिस दिन इस देश के ऊपर इमरजेंसी थोपने का काम किया था, जिस दिन लोकतंत्र को जो है काल कोठरी में बंद करने का काम किया गया था, वह 25 जून भी इसी महाअभियान के दौरान आता है। उस दिन हम जो है लोकतंत्र की हत्या वाला वह जो काला दिवस है वो याद दिला। देखिए, उनके पास कोई सकारात्मक चीज़ है नहीं। अब
प्रदेश नेतृत्व तो छोड़ दीजिए, मोदी जी को ही खारिज कर दिया है। कर्नाटक में ये तस्वीर सामने आ गई है। मोदी जी ने अपनी इमेज पर चुनाव लड़ा, वहाँ बजरंग बली का नारा लगाया, सब कुछ किया, वहाँ के परिणाम सबको मालूम है। एमपी में शहर शहर रफ्तार का कहर देखने को मिला। शाहजहांपुर में बस ट्रक से टकरा गई, जिसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। शिवपुर से इंदौर ये बस जा रही थी, घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। ये हादसे शाहजहांपुर बाईपास के पास हुआ। वहीं मंदसौर में तेज रफ्तार बस पलट गई, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई यात्री घायल हुए। बस के नीचे दबे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। आगर मालवा में 2 कारों की टक्कर हो गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 5 लोगों की हालत गंभीर है। ये हादसा बड़ौदा आलोट मार्ग पर हुआ। तो वहीं बुरहानपुर में सड़क हादसे में 2 लोग घायल हुए। राजधानी भोपाल की व्यापम चौराहे पर तेज रफ्तार 2 वाहन आपस में टकरा गए, दोनों गाड़ियों में 3 लोग सवार थे। मंदसौर की बात करें तो वहां पर निजी यात्री बस के पलटने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 19 यात्री घायल हो गए। हादसा दलोदा के भावगढ़ फंटे पर हुआ है। यहां भोपाल की तरफ से आ रही चार्टर्ड बस डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। गंभीर रूप से घायल 8 यात्रियों को इंदौर रेफर किया गया। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता दी जा रही है। एक बस थी जो दलोदा से पहले पलट गई। आई थिंक जो भी उसका कारण अभी पता करेंगे हम लोग। बस में सवारियां टोटल आई थिंक 30 के आसपास थी। 3 की डेथ हो गई, 3 महिलाओं की डेथ हुई है उसमें। और अब बात करेंगे अनूपपुर की, जहां अवैध उत्खनन का 2 परिवारों के लिए काल बन गया। बनगवा नगर परिषद में अवैध कोयला उत्खनन ने 2 महिलाओं की जान ले ली। खदान में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान खदान धंसने से यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस द्वारा अन्य किसी के मलबे में दबे होने की आशंका पर रेस्क्यू किया जा रहा है। बता दें कि अनूपपुर कोयलांचल क्षेत्र में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर किसी भी प्रकार से बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा, जबकि पहले भी इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। श्योपुर की बात करते हैं। कोनो नेशनल पार्क में पिछले 2 महीनों में चीतों की लगातार मौत से वन विभाग के साथ स्थानीय लोग भी दुखी हैं। अब आम लोगों ने चीतों की सलामती के लिए कराहल के प्रसिद्ध मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में प्रार्थना की। लोगों ने पूजा पाठ के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके बजरंग बली से प्रार्थना की कि अब कोनो में किसी भी चीते की मौत न। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड पे खबर। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी 30 मई से चलाने जा रही है स्पेशल अभियान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान, इमरजेंसी पर बनवाई शॉर्ट फिल्म। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में नवीन मध्य प्रदेश भवन परिसर में किया पौधारोपण। मुख्यमंत्री ने लगाया चंपा का पौधा, इस मौके पर सीएम ने किया श्रमदान। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवान सिंह पवैया ने नई संसद को बताया देश का सांस्कृतिक गौरव। बोले विपक्ष को दिल्ली में नजर आता है मुगलों का बनवाया लाल किला। दतिया दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बार फिर दिखा अनोखा अंदाज, नगर पालिका का कचरा वाहन चलाते नजर आए गृह मंत्री। मंडला में कलेक्टर के खिलाफ पटवारियों ने खोला मोर्चा, कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मंदसौर में बस पलटने से 3 यात्रियों की मौत, 19 घायल, गंभीर रूप से घायल 8 लोग इंदौर रेफर। खरगोन में युवक ने की पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश, पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बचाया। पारिवारिक विवाद के चलते करने जा रहा था खुदकुशी। रतलाम में आंधी तूफान के साथ बारिश, जावरा में बस स्टैंड का स्वागत द्वार गिरा, कई जगह खंभे और पेड़ भी गिरे। दमोह जिले के मड़ियादो क्षेत्र में आंधी तूफान के साथ आई बारिश से नाला उफान पर रजपुरा मड़ियादो मार्ग पर स्थित नाले में उफान से आवागमन बंद। उज्जैन में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश, आंधी तूफान से महाकाल लोक की कई मूर्तियां गिरी, बाल बाल बच्चे कई श्रद्धालु। सतना में नवतपा के तीसरे दिन
बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ जमकर हुई बारिश। दमोह जिले में तेज बारिश के चलते उफान पर नदी नाले, रजपुरा बड़ियादो मार्ग का नाला उफान पर। भोपाल के व्यापम चौराहे पर आपस में टकराए दो वाहन, हादसे में तीन लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दतिया में भांडेर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक युवक की मौत, एक युवक घायल, ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी पुलिस। अनूपपुर में अवैध खनन ने ली दो महिलाओं की जान, रामनगर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर साइडिंग में बंद पड़ी कोयला खदान से कर रही थी अवैध खनन। बुरहानपुर के नेपानगर क्षेत्र में घटिया निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई, इंदौर के कार्यपालन अधिकारी ने रेत और ईंटों का सैंपल जांच के लिए भेजा, काम रोकने के निर्देश। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के बुलेटिन में इतना।